दिल्ली से सटे फरीदाबाद में देर रात एक सिरफिरे युवक ने घर में घुसकर सो रही मां बेटी पर चाकू से हमला कर दिया। घटना देर रात करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। इस हमले में मां की मौके पर ही मौत हो गई और बेटी को गंभीर चोटें आई हैं। घायल को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। फोन आया था हमारे भांजे का, मतलब कि वहाँ पे जो है चोर वगैरह घुस गए हैं, तो जो है पहुँचो, तो हम लोग पहुँचे तब तक वहाँ पुलिस पहले ही आ चुकी थी, ख़त्म हो गई हैं। और भी भांजी हमारी है, वो हॉस्पिटल सफदरजंग रेफर कर दिया, पहले बीके में आए, बीके सफदरजंग भेज दिया गया। लड़के की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। बता दें, जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त महिला का पति और बेटा काम के सिलसिले में घर से बाहर गए हुए थे। मृतक महिला के भाई के मुताबिक रात 1:30 बजे मृतक महिला की बहन का बेटा घर आया था, उसे भी चोटें आई हैं, जिसके चलते उसे संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूछताछ के लिए उसे अपने साथ ले गई है। ये थाना भोपानीगिरी में ये वारदात हुई है। थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि ऐसी वारदात हुई है, तो मौके पर पुलिस गई। SHO भोपानी वहाँ पे गए अब्दुल सईद, और उन्होंने वहाँ पे जाके देखा तो एक महिला घायल अवस्था में है और उसकी बेटी भी घायल अवस्था में थी। महिला को वहाँ पे बीके हॉस्पिटल ले गया, वहाँ पे वो डॉक्टरों ने उसको मृत बताया है। उसका बोर्ड डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। और लड़की है वो भी घायल है और वो सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट है। और लड़की के लिए बयान लेने के लिए SHO अब्दुल सईद गए हुए हैं और वो अनफिट बताई गई है। लड़की का जो भाई है उसके बयान पे मुकदमा दर्ज किया गया है, हमने मुकदमा धारा। पुलिस लड़के के बयानों का इंतजार करी है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।